दोस्तों, अगर आपको भी अपने फेसबुक फ्रेंड को अपने फेसबुक आईडी से हाइड करना है, छुपाना है, या किसी और को दिखाना नहीं है कि कौन कौन मेरे फेसबुक में फ्रेंड है, तो वीडियो आप ये पूरा देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने फेसबुक में अपने फ्रेंड को कैसे हाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट आप लॉगिन कर लीजिए अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में। उसके बाद आपको अपने आईडी में जाना है और वहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे आप देख लीजिए, बताता हूँ कि मेरे फ्रेंड में कितने फ्रेंड है। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये आईडी मेरा लॉगिन हुआ है, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे तो बताएंगे, लेकिन अगर आप जाएंगे मेरे आईडी पे तो मेरे फ्रेंड्स आपको नहीं दिखेंगे कि कौन कौन मेरे फ्रेंड के अंदर ऐड है। ये टोटल अकाउंट जो वो दिखाएगा, लेकिन कौन कौन फ्रेंड है वो आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पे मैं मेरे दूसरे किसी फ्रेंड के अंदर जो भी फ्रेंड है वो मैं आज यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी देख लीजिए, उनके जो फ्रेंड है यहाँ पे शो हो जाएंगी, क्योंकि उसने वो हाइड किया नहीं है। तो उसके फ्रेंड में कौन कौन फ्रेंड है वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप ये जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे फ्रेंड के अंदर में कौन कौन फ्रेंड है, अगर वो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, उसको हाइड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, चलिए आज मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप सेटिंग में चले जाइए। जी हाँ, सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्राइवेसी। जी हाँ, प्राइवेसी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका जो सेटिंग होगा, प्राइवेसी सेटिंग एंड टूल्स, उसके अंडर हमें एक सेटिंग करनी है। तो वो सेटिंग करते ही आपके फ्रेंड हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, उसमें जो दूसरा ऑप्शन है, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन देख सकेगा। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग करके रखी है ओनली मी, यानी कि मैं देख सकूँगा और कोई भी देख नहीं सकेगा। तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करके आपको एडिट करना है। जी हाँ, एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने चार पांच ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पब्लिक है, फ्रेंड और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, ओनली मी और कस्टम ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए और आपका सेटिंग हो गया है। यहाँ पे मैंने ओनली मी रखा है, यानी कि मैं ही देख सकता हूँ, और कोई भी अगर मेरा आईडी खोलेगा तो वहाँ पे आपको किसी को भी मेरा फ्रेंड लिस्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ से मैंने ओनली करके रखा है, ओनली मी। तो आप भी उस तरह कर सकते हैं, और पब्लिक भी रख सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वो रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपके फ्रेंड लिस्ट को हाइड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।